दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग योनो SBI ऐप के थ्रू आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं लमसम के थ्रू। तो एक भाई का सवाल था कि सर हम 10,000 इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और लमसम के थ्रू करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो आज दोस्तों मैं आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूं। लमसम में दोस्तों होता क्या है कि आप एक बार में ही जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे वो एक बार में ही दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे। वो जो पैसा होगा वो आपके अकाउंट से दोबारा नहीं कटेगा या फिर ऑटोमेटिक वाला सिस्टम दोस्तों इसमें नहीं होता है। जो कि दोस्तों SIP में होता है कि आप अगर एक बार SIP को लगाते हैं तो वहाँ पर SIP में क्या होता है कि अगर आप 1,000 इन्वेस्टमेंट सेट करते हैं तो आपके अकाउंट से हर मंथ 1,000 रुपये दोस्तों कटता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं सारे स्टेप करके दिखाने वाला हूँ, तो बस वीडियो को लास्ट तक जो देखिएगा ताकि दोस्तों जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो वहाँ पे आपको कोई भी डाउट या फिर कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट आपको योनो SBI ऐप को ओपन करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इन्वेस्टमेंट का, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो इंटरफेस है इस तरीके से आएगा, यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये आपका जो इंटरफेस है इस तरीके से आएगा, यहाँ पे जो भी आपका डैशबोर्ड पहले से होगा जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं वो आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर आपने नहीं किया है किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अभी तक तो दोस्तों आपको यहाँ पे न्यू इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे किसी भी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें कि आप लोग लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहें दोस्तों यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर लिस्ट में नहीं सर्च हो पा रहा है तो आप सीधा लिख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप सर्च भी कर सकते हैं और सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसी इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप इसकी सारी चीज़ें देख सकते हैं कि फंड का परफॉर्मेंस कितना है, एक साल में कितना रिटर्न दिया है, दो साल में, तीन साल में, जो भी है ओवरऑल आप सारा कुछ इसमें देख पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इन्वेस्ट नाउ का, आपको इसी पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बॉक्स पर क्लिक कर देना है, या मीन इसकी कंडीशन जो भी है टर्म एंड कंडीशन वो आप एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको तीन तरह के आपके इन्वेस्टमेंट करने के तरीके आपको मिलते हैं। अब दोस्तों लमसम में क्या होता है, क्योंकि लमसम में आप जो इन्वेस्टमेंट एक बार में करते हैं सिर्फ वही इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद अगर हम मंथली SIP की बात करें या फिर क्वार्टरली SIP की बात करें, तो मंथली में दोस्तों होता क्या है कि मंथली में हर महीने आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं, क्वार्टरली में आपको हर एक तीन महीने में आपके जो भी पैसे हैं वो कटते हैं, और लमसम में दोस्तों एक बार में ही आपके पैसे कटते हैं। तो अभी दोस्तों हम लोग लमसम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमको लमसम यहाँ पर सेट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर अमाउंट डालना है, जो भी अमाउंट आपको यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पे डेट भी दिखा देगा, तो डेट दोस्तों इसमें सेट करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस भी डेट को आप लमसम क्रिएट करेंगे या फिर लमसम का प्रोसेस करेंगे उसी डेट को आपका जो पैसा है ये आपका दोस्तों कट जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने लमसम सेट कर लिया, यहाँ पर आपने अमाउंट सेट कर लिया, डेट ऑटोमेटिक अपने आप सेट होगी। उसके बाद आपके पास कोई एम्प्लॉई है या फिर कोई भी आपकी मदद कर रहा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बट अगर कोई नहीं है तो आपको यहाँ पर छोड़ देना है इसको आपको टिक नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आप चाहें तो अपना अकाउंट भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो अमाउंट से आपसे पैसे कटेंगे वो यहाँ पे शो होगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है चेंज अकाउंट का, आप इस अकाउंट से अकाउंट को चेंज भी कर देंगे। चेंज करने से दोस्तों जो पैसा होगा आपका उसी अकाउंट से कटेगा। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों एक बार आपको रीचेक कर लेना है कि किस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पर अमाउंट, डेट, जो भी चीज़ें हैं आपको एक बार देख लेनी है। उसके बाद आपको टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो दोस्तों OTP को डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है, और दोस्तों ये जो अमाउंट होगा वो आपका इसी डेट में आपके अकाउंट से कट जाएगा जिस भी डेट को आपने ये लमसम स्टार्ट किया है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि आप लमसम के थ्रू कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और दोस्तों बहुत ही सिंपल वे है। पर दोस्तों अगर आपको इस प्रोसेस में कुछ भी ना समझ में आया हो या फिर कोई भी आपका डाउट अभी रह गया हो तो आप दोस्तों मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जोड़ दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।